दुर्ग रेंज के आईजी रतनलाल डांगी राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और भय और आतंक का रास्ता छोड़ दें। दुर्ग रेंज के आईजी रतनलाल डांगी आज राजनांदगांव जिले के प्रवास पर थे। आईजी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने कहा कि नक्सली समाज मुख्य धारा से जुड़े और भय और आतंक का रास्ता छोड़े, साथ ही किसी स्थिति में रास्ते कभी कोई बात नहीं बनी है, बात टेबल में बैठकर बनी है। नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए और उन्होंने कहा कि नक्सली विकास नहीं चाहते। वहीं आईजी ने जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप भी मौजूद थे। पुलिस कंट्रोल रूम राजनांदगांव में यह बैठक सम्पन्न हुई। जितने भी एसपी रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने सबने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। इस नक्सल मोर्चे पे सरेंडर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हुए हैं। हम विनोद चौबे जी को कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, और उन्होंने जितने भी शहरी नेटवर्क जो थे उस समय के, उनको उन्होंने बड़ा घर दबोचा और काफ़ी अच्छा वहीं से शुरुआत हुई थी। और जो भी एसपी आए, उन्होंने जो है एक अर्बन नक्सलिस्ट में जो है, जो लोग शहरों में रह करके उनके लिए काम करते हैं, सप्लाइज करते हैं, उनको ब्रेक करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी भी जारी है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, एशियन।